बोल अम्बे मात की जय। ये तो चमत्कार हो गया, ये बच्ची सचमुच माँ दुर्गा का रूप है। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। सुनो सुनो बस्ती वालों, घर पे बेटा हुआ है बेटा। अरे गंगा, घर पे बेटा हुआ है। सुनो सुनो बस्ती वालों, घर पे बेटा हुआ है बेटा। बाबा, पिछले साल जमुना काकी को बेटी हुई थी, तब तो ऐसे गाना बजाना नहीं किया था किसी ने। लड़कियां लड़कों से कम होती है क्या बाबा? अरे नारे मुनिया, बेटियां तो बेटों से बढ़कर होती हैं, पर ये जो अकल के अंधे होते हैं ना, वो हीरे की चमक और कांच के टुकड़े की चमक में फर्क नहीं समझ पाते। मतलब चटनी बिना अधूरी बनारस की चाट है जैसे, मलाई बिना अधूरी कुल्लड़ वाली चाय है जैसे। इत्रा बिना अगरबत्ती धुआ है जैसे, गानों बिना बेरस हर शादी त्योहार हो जैसे, इंटरनेट बिना मोबाइल मानो लैंडलाइन हो जैसे, तारों बिना अकेला चांद हो जैसे, रंगों बिना उदास हर तस्वीर हो जैसे, बेटी बिना ये जहां ये जीवन ये संसार है वैसे। सुना सब आपने, इस बच्ची के मुंह से माँ दुर्गा माँ ने क्या कहा है। इसीलिए कहते हैं कि नारी के सम्मान में ही भगवान का सम्मान है, क्योंकि धरती बिना कुटुंब नहीं, पानी बिना जीवन नहीं, हवा बिना सुकून नहीं, आकाश बिना शरण नहीं, अग्नि बिना भोजन नहीं, और स्त्री बिना संतुलन नहीं। नारी तो रंग भरती है जीवन में, घर संसार संवारती है, पालन पोषण करती है। नारी ही दुर्गा और काली, नारी ही है लक्ष्मी भी और सरस्वती भी। कैलाशी जी, आप बहुत भाग्यवान हैं, आज इस बच्ची के रूप में माँ दुर्गा और माँ सरस्वती दोनों ने कदम रखा है, और आप भी शीश झुकाकर दुर्गा माँ का आशीर्वाद दीजिए और ये पूजा संपन्न कीजिए। रुके ठाकुराइन, बाबा कहते बड़ों का कद कभी छोटों के सामने झुकना नहीं चाहिए, इसलिए आप मेरे पैर मत छुइए, बल्कि आप अपने हाथ मेरे सर पर रखकर आशीर्वाद दीजिए। ठाकुराइन जी, आशीर्वाद दीजिए ना कि मैं और मेरे बाबा हमेशा खुश रहे, हमारी सारी परेशानियां टल जाए। कैलाशी देवी जी, आशीर्वाद दीजिए ना। हमेशा खुश रहो,
कोई भी परेशानी तुम्हें और तुम्हारे बाबा को कभी ना छुए। गंगा तू जा रहा अंदर। क्या हुआ डोरी? मुझे बाबा के पास जाना। डोरी! बुनकर बस्ती में आग लग गई है। कैसे? कारण का तो पता नहीं पर क्या? आग जो गंगा प्रसाद जी के घर में लगी है, जहां आपके आटे की सारी साड़ियां रखी हुई। चलो कैलाशी। राज, बनारस में जितने भी फायर ब्रिगेड है बुलाओ, पुलिस बुलाओ, जितने लोग काम पर लगा सकते हो लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उस घर में हमारी एक भी साड़ी नहीं जलनी चाहिए। जी मैम। Thank you.
गई। अभी कारण जानना जरूरी नहीं है, पहले आग बुझाओ। और फायर ब्रिगेड अभी तक आए क्यों नहीं? बस्ती वालों से कहो कि हमारी लाखों की साड़ियां अंदर फंसी हुई है, और उन साड़ियों को बचाने के लिए अगर अगर इन लोगों को आग में कूदना पड़े तो कूदे। हमने फायर ब्रिगेड वालों को बुला लिया है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। चाचा, बनारस की गलियों में फायर ब्रिगेड इतना जल्दी आएगी तो क्या तब तक आप लोग हमारी शक्ल देखते रहोगे? कोई तो अंदर जाओ, आग में कूदो, कुछ तो करो, लेकिन हमारी साड़ियों को बचाओ, कुछ भी करो। गंगा अंदर गया हुआ है। पहुंचाए तो फिर आप सबको घर से बेघर कर दिया जाएगा। अब बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दी फायर ब्रिगेड भेजो। अरे आग बुझानी है, रात में उठाने, जल्दी लेके आओ। अरे जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती है आप लोग खड़े क्यों हो गए? पानी डालो, डालो डालो पानी डालो। साड़ियों का ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, इतना बड़ा नुकसान नहीं होने दे सकते हम अपने काम और नाम का। डोरी की सबसे बड़ी ताकत उसका एक हाथ वाला बाप ही है। आज उसके मरने के साथ डोरी को अपने रास्ते से हटाना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। मुझे मेरी डोरी की आंखों में चांद की तरह की रोशनी भरनी, अगर ये साड़ियां जल गई तो मेरी डोरी का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। वहां मेरी मदद कर मैं डोरी के सारे सपने पूरे कर सकूं। ये साड़ियां बचा ले मां। यहाँ पर क्यों आई है? जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है बेटा। आपकी हाथ की शक्ति, आपकी ताकत, आपकी डोरी आ गई है बाबा। जाओ यहाँ से डोरी। आप भी तो हो यहाँ, मैं और आप अलग थोड़ी ना। भूल गए आप जहाँ मैं वहाँ। मैं निकालती हूँ आपको।
बेटा एक काम कर, वहां से कुछ डंडा ढूंढ के लेके आ, लेकिन संभाल कर जाना। ठीक है बेटा? हाँ बाबा, हम तो बस दो हैं और साड़ियाँ इतने सारे, हम साड़ियों को कैसे बांट ले जाएंगे? बाहर तो सब आग लगी हुई है, हम हर साड़ी को कैसे बचाएंगे? मुनिया भूल गए, पता है ना वो क्या कहते हैं, हिम्मत कभी हारना नहीं और डर के कभी रोना नहीं। जब साथ है हमारी संकटा मैया, वो पार लगा देगी हमारी नैया। और उसके बाबा की रक्षा करना माँ, उनका साथ देना, इस दिवाली उनकी जिंदगी में अंधेरा मत होने देना, उनकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेरना माँ। अरे शांत हो जाओ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? हमारी लाखों की साड़ी अंदर है, हद समझाओ ना। आनंद तुम खड़े क्यों हो, बात तो करो। क्या हम चले जाए अंदर देखाने, कितने लोग फंसे हुए हैं? Bye.